What's up everybody, this is Arishchandra back and again with a new vlog. So guys, last vlog में हमने दिखाया था कि हम गए थे काली दाल ट्रिप पे, और हमने उस दिन कहा था कि हम चौकोड़ी की ट्रिप पे भी जाएंगे, पर हम जा नहीं पाए बिकॉज वहाँ पर हमें इतना टाइम लग गया था कि हमें वापस आने में बहुत टाइम लग गया था, लगभग 4 बज चुके थे और 5 बजे हम शाम के घर पहुँचे थे. सो आज हम चलने वाले हैं चौकोड़ी, एंड वहाँ हमें आज मौसम थोड़ा साफ़ है क्योंकि 3-4 दिन से मौसम बहुत बारिश हो रही थी, तो आज हम चलेंगे चौकोड़ी. एंड पहाड़ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ छोटा मोटा फोटोशूट जो भी करेंगे वो हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे. इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको दी हुई है, सो आप चलिए. और हमने परसों हाल में ही दोनों बाइक और स्कूटी की सर्विस कराई है. एंड आ चुके हैं हमारे भैया जी और पीयूष भाई. गंदा लग रहा है? नहीं भाई, स्मार्ट कट कर दे रहे हैं. तो भाई अभी मंजुल का वेट कर रहे हैं हम. लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हम मंजुल का ही वेट कर रहे थे. मंजुल है लेट लतीफ, तो अभी टाइम लगा दिया और चलते हैं और मिलते हैं सीधे अब अपने डेस्टिनेशन पे. गाइस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे चौकोड़ी, और यहाँ पे भैया लोग मेरा नीचे वेट कर रहे हैं, और मैं गाड़ी का टायर पंचर हो गया था बाइक का, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया और मुझे वापस जाना पड़ा. और फिर मैंने कराया वहाँ पे पंचर से ही नई ट्यूब लगवाई, एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहुँच गया हूँ. एंड यहाँ का मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब बहुत इनसेन, मतलब मैं दिखाता हूँ. देख सकते हैं आप यहाँ पे गायें चर रही हैं. हमें जाना है वहाँ पे, आगे पत्थर है वहाँ पे, तो हमें चलना है वहाँ पे, तो चलते हैं. तो भाई पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे चौकोड़ी में, और ये हैं भाई लोग. ओए इधर देखो, तो ये हैं भाई लोग पहुँच चुके हैं. और भाई इतना तगड़ा नज़ारा है ना, मतलब क्या ही बताऊं, तो इतना तगड़ा है. एडवेंचरस मेले हुआ था यहाँ पर रोड पे, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था कीचड़ बहुत भयंकर, और मेरे को आने में बहुत फिसल ली थी भाई, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा एडवेंचरस लगाओ. तो मैं अब हम यहाँ पे छोटा मोटा फोटोशूट जो भी करेंगे. यहाँ पे यार सुबह पहाड़ दिख रहे थे पर अब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब हो रहा है कोहरा पहाड़ों की ओर. मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ व्यू पूरा, बहुत तगड़ा. तो भाई मंजुल भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठे हुए हैं? मंजुल भाई आपको कैसा लग रहा है ब्रो? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बता नहीं सकते, ये बता नहीं सकते इतना अच्छा लग रहा है इन्हें. और पीयूष भाई से भी पूछ लेते हैं उनको कैसा लग रहा है. पीयूष भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, और थारा भाई पुष्पेंद्र, थारा भाई अमनिंदर बाहुबली, थारा भाई अमनिंदर जोगिंदर भाई के फैन है. नहीं भाई फैन नहीं है उनके. तू ट्रोल करेगा? ट्रोल करेगा. तो भाई अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सिनेमैटिक वीडियो इसी वीडियो के बाद मैं आपको डाल के दिखाऊंगा. पसंद आएगी तो उसे मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूंगा, जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना. एंड वहां पे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड फॉलो भी कर लेना. एंड यहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अब मैं आपको अगली सिनेमैटिक वीडियो दिखाने जा रहा हूं. मैं चलता हूं, यहां पे एक गाय है बहुत सारी, इनकी मैं एक सिनेमैटिक वीडियो बनाता हूं एंड देन पोस्ट करूंगा. मुझे यहां से एंगल देखना पड़ेगा एक बहुत बढ़िया. तो भाई ये एंगल मुझे सही लग रहा है. यहाँ पे मतलब टोटल गाय होंगी यहाँ 20 से 25 के बीच में, यहाँ पे गाय हैं, इनकी मैं बनाता हूँ आपसे.
भाई ले लिया है यहाँ का शॉट और बड़ा ही मस्त आया, मतलब बहुत तगड़ा नज़ारा है यार, क्या ही बताएं। तो भाई आज हमारा प्लान वैसे जाना था शिखर को, शिखर जो एक मंदिर है यहाँ पे, मूलभूत शिखर नाम से है कुछ, तो फिर वहाँ जाना था, तो वहाँ चढ़ाई थी और रास्ता भी बहुत ख़राब था ऐसे हमने सुनने में आया मतलब, और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे वहाँ जाने के लिए। तो फिर हमारा प्लान वहीं का था, हमने पैकिंग भी की थी, हम वहाँ स्टे करने वाले थे पर हम नहीं जा पाए क्योंकि मौसम की वजह से। पर आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप आई हुई है और मतलब क्या ही बताएं, बहुत तगड़ा मौसम है और यहाँ पर ठंडा भी नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश पड़ी थी बहुत। तो फिर हाँ चलते हैं, चले फिर, तो अब चल रहे हैं हम ऊपर को। चलो फिर भाई खड़े हो जाओ, चलते हैं। तो नहीं लेंगे फोटो, तो हम फोटो खिंचाते हैं उसके बाद हम सीधे ऊपर चलेंगे। एंड उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? पांकू की तरफ, पांकू की तरफ देखते हैं कह रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे पक्का जाएंगे। तो फिर अभी बहुत टाइम है, टाइम अभी हो रहा है हमारा 10:34, इसका मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है क्योंकि हम सुबह हम जल्दी से निकल गए थे। हम निकले तो शिखर बनार के लिए थे पर हमने प्लान एकदम चेंज कर दिया, आ गए हम चौकोड़ी। वैसे चौकोड़ी भी बहुत अच्छी जगह है, लोकल टूरिज्म है, मतलब यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, गर्मियों में ज़्यादातर आते हैं। पर मुझे आज यहाँ पहाड़ दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी कोहरा हो चुका है, कोहरे से सारे पहाड़ ढक चुके हैं, पर फिर भी हम ऊपर जाएंगे देखेंगे, दिखते हैं तो ठीक है। तो सीधे मिलते हैं हम ऊपर, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं यहाँ पे एंड फिर मिलते हैं ऊपर आपको, चलते हैं। अबे यार मेरे को लगा तुम यहाँ पे चले गए होगे ऊपर, कहाँ है बैग में? नहीं निकाल लिए, निकाल देखने, कोई भी जेब में होगी। तो भाई ये भूल गए स्कूटी की चाबी, क्यों भूले भाई? मैंने फोन के साथ निकाला ना। तो भाई खा चुके हैं कोतमनिया में, खा लिया है हमने थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए, छोले समोसे एंड चाय पी। तो अभी उनका हुआ नहीं है ख़त्म, तो ख़त्म करके बस आते ही हैं, फिर निकलते हैं हम पाकू की ओर एंड चलते हैं मंदिर में एंड आपको सीधे मिलते हैं पाकू में।